हेलो एवरीवन वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल एडू मस्ट सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दी यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुज पोस्ट आर वैकेंसीज़ आर अनाउंस्ड रिसेंटली सो ऑल ऑफ़ यू मस्ट हैव सीन दिस आई थिंक बट आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरा कि कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और Uh, जो भी जो भी इसमें uh, इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी दिया गया है मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इसको एंड तक देखिएगा सो so दैट कि आपके जो आई होप कि आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट सो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी इसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डेट्स जो भी है इसको फिल करने की इसकी फीस की लास्ट डेट ओके जो भी इसकी फ़ीस रहेगी इन सब के बारे में बात करेंगे सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ़ एप्लीकेशन फॉर्म तो जो भी आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगी जो भी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसके लिए आपकी लास्ट डेट रहेगी आप इस फॉर्म को टू फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी वन से टू मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी व uh, तक फिल कर सकते हैं ओके okay? इस वेबसाइट पे जाके आप इसको uh, विज़िट कर सकते हैं यू जी सी नेट डॉट एन टी ए डॉट एन आई सी डॉट इन ओके देन सेकेंडली आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस थ्रू डेबिट कार्ड पेटीएम जो भी uh, मोड रहेगा तो इलेवन फिफ्टी पी एम तक यानी कि रात के बारह बजे के दस मिनट पहले तक आप इसकी फ़ीस को uh, फीस को डिपॉजिट करा सकते हैं तीन मार्च जो है लास्ट डेट थी की यानी कि दो फरवरी से ये पोस्ट आउट हुई है दो फरवरी से दो मार्च तक रहेंगी तीन मार्च जो है लास्ट डेट रहेगी फीस डिपॉजिट कराने की ओके टिल इलेवन फिफ्टी यहाँ लिखा है एंड उसके बाद में उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसका फीस का क्राइटेरिया क्या रहेगा कि किस तरह से आ, जो है फ़ीस को इसकी पे करेंगे तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के, के लिए इसकी थाउजेंड फ़ीस रहेगी ओके तो जनरल ई डब्ल्यू एस एंड ओ बी ओ बी सी एन सी एल से नॉन क्रीमिलियर से जो बिलोंग करते हैं उनको फाइव हंड्रेड फ़ीस पे करनी पड़ेगी एंड जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब है या पर्सन विद डिसबिलिटी पी डब्ब्ल्यू डी से बिलोंग करते हैं उनको टू फिफ्टी फ़ीस रहेगी आप ठीक है उसके अकॉर्डिंग आप फीस पे करेंगे देन देन आपको जो है आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा ठीक है आप करेक्शन कर सकते हैं अपनी फॉर्म में फ्रॉम फाइव मार्च टू नाइन मार्च यानी कि फाइव सिक्स आ, सेवन एट नाइन तो फाइव डेज आपको दिए जाएंगे यहाँ पर अपने फॉर्म में करेक्शन के लिए अगर आप कोई भी अपनी कैटेगरी चेंज कर, करना चाहते हैं या आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं ओके okay? देन आएगा आपका कि जो एडमिट कार्ड है वो तो आप लेटर ऑन वो अनाउंस करेंगे अपनी वेबसाइट पे ही आपको चेक करते रहना है अपडेट रहना है देन डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि टू टू सेवनटीन मई इसके बीच बीच में आपका कभी भी एग्ज़ाम होगा टू से लेकर सेवनटीन के बीच में जो ये यह यहाँ पर डेट्स दे रखी हैं इसी के बीच बीच में आपका एग्ज़ाम होगा और इन्हीं डेट्स के ऊपर में आपका एग्ज़ाम किसी भी डे को हो सकता है टू टू सेवनटीन ओके तो ड्यूरेशन एग्जाम होगा उसकी ड्यूरेशन रहेगी एग्ज़ाम की वन एट्टी मिनट यानी कि थ्री आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा और कोई भी ब्रेक नहीं रहेगा पेपर वन एंड पेपर टू में सो so आप पहले ही तैयार होकर जाएंगे इसके लिए और फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा जो कि नाइन टू okay? ट्वेल्व होगा यानी कि थ्री आवर्स का और सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा थ्री टू सिक्स ओके नेक्स्ट एग्ज़ाम सेंटर डेट एंड शिफ्ट ये भी आपको जैसे आपने फ़िल किया होगा उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा ठीक है तो ओके okay, इसके बाद में उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा वो प्योरली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ठीक है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और जो आपका पैटर्न रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा देखिए पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन ऐसा रहेगा कि टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स टू पेपर्स होंगे आपके और ऑब्जेक्टिव uh, टाइप इसके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं वो रहेंगे और आपको जैसा कि पहले बता दिया है कि कोई भी ब्रेक आपको नहीं दिया जाएगा कॉन्टिन्यूसली आपके दोनों एग्ज़ाम होंगे और इसके फर्स्ट एग्ज़ाम हंड्रेड मार्क्स हैं ठीक है, है न तो हंड्रेड मार्क्स का फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा और सेकेंड एग्ज़ाम आपका जो सब्जेक्ट पेपर होता है वो आपका टू हंड्रेड मार्क्स का रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चनस रहेंगे फिफ्टी यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी टू मार्क्स एंड इसका भी ऐसे ही रहेगा कि ईच क्वेश्चन कैरी टू मार्क्स सो इस तरह से रहेगा क्वेश्चन पेपर पेपर वन इंटेंट टू अ टीचिंग रिसर्च इसमें आपको जो फर्स्ट पेपर में आएंगे uh, आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रटेशन और जो आपका एक पैराग्राफ आएगा है ना उसको आपको uh, करना पड़ेगा एंड देन कॉम्प्रिहेंशन जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगी आपकी रीजनिंग एबिलिटी रहेगी थोड़ा सा मैथ भी आएगा एंड जनरल अवेयरनेस आपकी चेक की जाएगी और इसी तरह से आप उसका सिलेबस निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा इफ़ यू वांट देन कमेंट मी आई विल प्रोवाइड यू ऑन माय टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल ओके और इसी तरह से आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका फुली आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी थॉरोली नॉलेज उसके सब्जेक्ट्स की आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए एंड टोटल ड्यूरेशन जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि थ्री आवर्स रहेगा वन एटी मिनट्स विदाउट एनी ब्रेक एंड ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी देर इज़ नो चॉइस सिलेबस मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आप अगर सिलेबस चाहते हैं तो आई विल प्रोवाइड ऑन माई टेलीग्राम चैनल ओके और आप इसका जो है सिलेबस कोई पैटर्न ऐसे uh, मेंशन नहीं होता है स्पेसिफिकली कि हाँ यही आएगा तो वो एक आपको रैंडम आइडिया देते हैं कि यहाँ यहाँ से आपको उसके उस टॉपिक के ऊपर से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं ओके okay, तो आप इस वेबसाइट पे जाके उनका सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं जो भी उन्होंने दिया है जितना भी दिया है बट वो सिलेबस उससे कहीं ज़्यादा होता है जितना कि लिखा हुआ है देन जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है तो मीडियम क्वेश्चन पेपर आपको अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो आपके लिए वो uh, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाएंगे लेकिन अगर आपने अपना इंग्लिश मीडियम चॉइस किया है चूज़ किया है तो आपको इंग्लिश में ही पेपर प्रोवाइड किया जाएगा एंड uh, सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकोरेक्ट आंसर देयर ओके एंड आई विल जैसा कि मैंने आपको बताया कि टू मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के आपको उसके बाद में अगर आप आप कैसे आप उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जनरल और अनरिजर्व्ड और जनरल ई कैंडिडेट के लिए एटलीस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपके इन मास्टर डिग्री में और जो भी आपने इसकी इक्वेंट डिग्री करी है अगर तो ठीक है एंड देन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट और ग्रेजुएशन लेवल और जो यू जी सी नेट के अंदर में आते हैं ना एग्ज़ाम उसकी उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की हुई है नेक्स्ट uh, फोर्थ में और अगर आप किसी ओ बी सी कैटेगरी में हैं एस सी हैं एस टी हैं पी डब्ल्यू डी है आपका या आप पी डब्ल्यू डी से बिलोंग करते हैं या आपका थर्ड जेंडर है देन ऑब्वियसली आप फिफ्टी परसेंट मार्क्स एटलीस्ट फिफ़्टी परसेंट मार्क्स आपको चाहिए होंगे ठीक है एंड देन अगर जो भी कैंडिडेट जो हैं जो कि अपनी मास्टर की डिग्री परस्यू कर रहे हैं या इसके इक्वलेंट कोई भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं ठीक है दे सकते हैं या फिर जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है वो भी दे सकते हैं या फाइनल ईयर में जो बच्चे अभी कर रहे हैं मास्टर अपनी वो भी इसको दे सकते हैं उनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही रहेगा विद एटलीस्ट फिफ्टी पर फाइव परसेंट और ओ बी सी और एस सी एस टी के लिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स क्लियर उसके बाद में आपको देख लेना है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है या आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए करना है तो उस अकॉर्डिंग आप उसमें आपको फॉर्म में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अपना चूज़ कर लीजिएगा कि आपको जी के लिए करना है या आपको असटेंट प्रोफेसर के लिए करना है ओके okay? एंड जैसा कि सबको पता ही होगा कि जो जे के लिए हमारी एज लिमिट होती है वो थर्टी वन ईयर्स होती है आ, इस डेट से वन थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन से लेकर आपकी थर्टी वन ईयर्स होनी चाहिए और फाइव ईयर की रिलैक्सेशन रहती है ओबीसी एनसीएल के लिए बाकी एस सी इन सब के लिए फ़ाइव ईयर रिलैक्सेशन जो है हमारी रहती है देन और जैसा कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताती असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी कोई लिमिट नहीं है सिर्फ जे के लिए आपकी थर्टी जो है एज रिलैक्सेशन जो एज है आ, की गई है वो थर्टी वन है ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज नहीं आप कभी भी दे सकते हैं एग्ज़ाम रिजर्वेशन के लिए फिफ्टी परसेंट जो सीटें हैं वो एस के लिए रखी गई हैं और बी के एस uh, के लिए सेवन पॉइंट फाइव जी आप देख ही सकते हैं कि ओ के लिए ट्वेंटी सेवन परसेंट सीट्स रिजर्व हैं और इकोनॉमिक ई uh, के लिए टेन परसेंट है और फोर परसेंट जो कोट, कोटा है वो पी का है देन देन अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या आप फॉर्म किसी से फिल करवाना चाहते हैं या फिर आप कैफ़े वाले के पास जाते हैं तो आपको कौन से कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए सो so दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे और फॉर्म आपका वन टाइम में ही फिल हो जाए तो आपको यूनिवर्स आप ना अपने टेंथ के सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग ही अपने मदर का नेम अपने अपना नेम और अपने फादर का नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और ये आपको जो इतनी इन्फॉर्मेशन है ना आपको ये आपको कैपिटल लेटर्स में ही फिल करनी पड़ेगी ओके okay? ये क्लियरली मैंशन है इसमें और सेकेंडली आपको टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन जैसे कि आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी लगाना चाहते हैं आप वो एक लेके जाइएगा ठीक है डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए देन आपके पास होना चाहिए डिग्री सर्टिफिकेट लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट उसमें से आपके मार्क्स देखे जाएंगे मास्टर के ठीक है और योर ई मेल एड्रेस आपका होना चाहिए आपके पास परमानेंट एड्रेस आपका आपके पास होना चाहिए और आपने फ़ोर सिटीज़ जो मेंशन करनी है उसके अकॉर्डिंग आप जैसे कि आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा ये आप नेक्स्ट थर्ड में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे सिटीज़ के कोड और सिटीज़ का नंबर वो सब आपको फिल करना पड़ेगा और आपको कोड ऑफ एनी सब्जेक्ट जैसे कि आपका इंग्लिश है तो आपका ट्वेंटी है इस तरह से आपके सब्जेक्ट कोड वहाँ पे इनेक्शर सेकंड में कोड में दिए हुए हैं एंड सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कि आपका आ, कौन सा था तो आप वो भी फील करेंगे कि मास्टर ऑफ आर्ट है या मास्टर ऑफ जो भी आपकी स्ट्रीम रही होगी वो आपको अनेक्चर फोर्थ में मिल जाएगा और कोड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल तो वो भी आपके पास होनी चाहिए कौन सी कैटेगरी से आप करेंगे ई डब्ल्यू एस के लिए इसी तरह से आपके जो भी आ, हैं फिर आपने ई मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये भी आपके पास मस्त होना चाहिए क्योंकि आपका नोटिफिकेशन उसी पर आएगा ठीक है ना तो फ़ोन नंबर भी आपके पास ज़रूरी होना चाहिए तो अगेन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए ठीक है ये अब मैं आपको ये जो मैं, है मैं आपको आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ठीक है तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और आप इस वेबसाइट पे यू जी सी नेट एन टी ए डॉट निक डॉट इन इस पर आप अप्लाई करेंगे एंड बुलेटिन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्या एलिजिबिलिटी है कुछ भी है आप अपने लेवल पे पढ़ेंगे एक बार इसको ठीक है आपका इसीलिए आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखो इसके स्टेप्स भी यहाँ पर लिखे हों कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है ऑनलाइन तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगी एक बार आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है ई मेल या फिर अपने मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आपको उसको फिल करना पड़ेगा और जो भी आपकी जनरेट होगी एप्लीकेशन नंबर उसको आपको संभाल के रखना है और जो आपकी फ़ोटो रहेगी वो टेन के बी से टू हंड्रेड के बी की ही आपको करनी है कि जिसमें कि आपका फुल फेस दिखता हो विदाउट मास्क एंड वाइट बैकग्राउंड हो और साइन करने आपको तो उसके लिए साइज रहेगा आपका फ़ोर के बी टू थर्टी के भी ठीक है फोर के बी टू थर्टी के भी एंड के बाद में आप किसी भी पेमेंट कर सकते हैं किसी भी मोड से अपनी और ओला ये फोर स्टेप्स कम, जब कंप्लीट होने बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए ये मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे अपनी अकॉर्डिंग टू यू आर प्लस टू एग्ज़ाम और टेंथ एग्ज़ाम ओके मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस ये आपके पास मस्ट होना चाहिए वहाँ पर और उसके बाद में अगर आप इसके मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो नेशनल टेस्टिंग अभ्यास जो इसी में आपको नेशनल अभ्यास टेस्ट जो वेबसाइट है यहाँ पर आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं मॉक टेस्ट दे सकते हैं ओके मॉक टेस्ट के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं And this is the information. And thank you all for watching this video. And uh, thank you everyone. Or up.